किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अगर सच्ची लगन से मेहनत की जाए तो कामयाबी आपको मिल ही जाती है। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गाजियाबाद में रहने वाली नेहा मोहंती ने, जिन्होंने अपनी मेहनत और नेक इरादों से मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्चू 2021 के शो में फर्स्ट रनर अप का खिताब अपने नाम किया। वहीं साथ ही साथ नेहा को उसी शो में एक और सब टाइटल देकर नवाजा गया, जिसमें उन्हें बेस्ट कैटवॉक टाइटल भी दिया गया। खिताब जीतने के बाद नेहा ने सबसे पहले शो की आयोजक प्रीति यादव का धन्यवाद किया, जिन्होंने इतना अच्छा मंच हमें प्रदान किया। मैं गई थी मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू पेजेंट में, एंड मुझे वहाँ पे फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला और मुझे वहाँ पे मिसेज बेस्ट कैटवॉक का भी सबटाइटल मिला। शो का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा और मैं काफ़ी कुछ उस टाइम दिमाग में चल रहा था, पर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, जो मेरे दिल ने कहा मैं बस वो करती चली गई। तो काफ़ी सारे राउंड्स थे, काफ़ी सारे मेंटोर्स थे जो हमें डेली बेसिस पे जज भी कर रहे थे, उनकी मार्किंग भी चल रही, तो हमारे काफ़ी सारे ऐसे सेशंस हुए वहाँ पे। एटिकेट्स का एक स्पेशली एक सेशन रखा गया था, रैंप वॉक्स थी वहाँ पे, एंड काफ़ी और हमारे और भी चीज़ें हमें प्रिपेयर कराई करी, लैंग्वेज के ऊपर हमें काफ़ी काम कराया गया। तो फिनाले वाले दिन सबसे इम्पॉर्टेंट तो रैंप वॉक थी आपकी, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन राउंड के बाद ही आपके टॉप 10 सामने निकल के आए और उन टॉप 10 कंटेस्टेंट से एक एक सवाल पूछे गए, जिसका मैंने भी अपनी जितना भी मेरे में समर्थ था मैंने अच्छा जवाब दिया, शायद उसी की वजह से मैं फर्स्ट रनर अप बनी। देखिए, मैं जजमेंट से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट्स आए थे वो सारी ही लेडीज़ अपने आप में बहुत ही यूनिक थीं, और ज़रूरी नहीं कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे से ही झलके, तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी नोटिस करने वाली। तो जो फर्स्ट विनर जो है हमारी काफ़ी डिज़र्विंग है, मैं भी डिज़र्विंग हूँ, और जो सेकेंड रनर अप है वो भी इक्वली उतनी ही डिज़र्विंग थी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद एक मैरिड वूमन हूँ, मुझे पता है कि एक लेडी कैसे घर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिर जाती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए इन सब चीज़ों से बाहर आना। लेकिन एक थोड़े से एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा मैटर करता है। आपसे लोग बोलेंगे लेकिन आप अंदर से ही खुद कुछ नहीं करना चाहेंगी तो कुछ चेंजेस नहीं आ पाएंगे। तो मैंने भी अपने आप को कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेट करा, मैंने भी पुश किया और मैं वहाँ पे गई, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देखकर जो मेरे आसपास की भी जो फीमेल्स हैं, जो विमेन हैं अराउंड मी, वो ज़रूर इंस्पायर होंगी और वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहेंगी जो वो बहुत टाइम से सोच रही हैं। मेरे परिवार से काफ़ी सपोर्ट था, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने तो ख़ास तौर से, वो तो चाहता है कि मैं पूरे दिन ये क्राउन पहन कर ही रहूं। और बाकी मेरी मदर काफ़ी ओल्ड है लेकिन उनकी सोच बहुत ही मॉडर्न है, तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे पुश किया, काफ़ी मुझे मोटिवेट करा कि नहीं तुम्हें कुछ अपने लिए भी करना चाहिए। तो सारे ही लोग बहुत सपोर्टिव थे मेरी फैमिली में। मैंने सबसे पहले फ़ोन मैंने अपने हस्बैंड को किया, मैंने अपने बेटे से बात करी, और फिर मेरा सेकंड फ़ोन कॉल मेरी माँ और मेरे जो भाई बहन हैं उन सबको मैंने किया, और क्राउन सिर्फ मेरे ही सर पे नहीं आया, वो इसके शेयर होल्डर्स वो लोग भी हैं, तो मैंने उनको इमिडिएटली उनको भी डेडिकेट किया कि ये सब आप लोगों की भी जीत है। मैं, आप मुझसे सच पूछिए तो मैं सबसे लास्ट कंटेस्टेंट थी जिसने इस शो में रजिस्टर किया, तो मेरे पास 10-15 दिन का टाइम था कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं, और ज़्यादा प्रिपेयर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता बिकॉज आपको नहीं पता कि वहाँ पे जजेस आपको किन पॉइंट्स पे जज कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन आंसर राउंड आएगा आपके पास। लेकिन एक गो विद द फ्लो वाली बात होती है, जैसे जैसे मेरे सामने वहाँ चीज़ें आती गई मैं अपना 100% अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड मैंने किया, अपना पूरा जितना भी मेरे में था टैलेंट था वो सब मैंने उसमें लगा दिया मैंने बस। और एक पॉइंट पे आके मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं लेकर ज़रूर जाऊँगी यहाँ से। मैं हमारे शो की ऑर्गेनाइज़र और फाउंडर
मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू की मिसेज प्रीति यादव हैं, एंड उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है हम सारी सारी विमेन को आगे लेकर जाने की। इनकी एक अकेली लेडी ने ये पूरा शो तैयार कर दिया और हम जैसी लेडीज को उन्होंने फोर्स नहीं हमें प्रोत्साहित किया कि आप लोग आइए और पार्टिसिपेट करिए। तो वहाँ पे भी वो काफ़ी हेल्पफुल थी हर चीज़ को लेकर, कोई ऐसी एयर नहीं थी कि मैं मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, लेकिन बहुत ही हम्बल और ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ लेडी हैं वो, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। देखिए मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि आपने अपनी लाइफ में एक बहुत ही डॉटिंग आप मदर हैं, एक वाइफ हैं, एक बेटी हैं, लेकिन थोड़ा सा समय निकालिए अपने आप के लिए भी, ताकि आपको कहीं आगे जाकर ये ना लगे कि मैंने सबके लिए किया लेकिन मैंने अपने लिए ही कुछ नहीं किया। ऐसी सोच कभी ना आए आपके दिमाग में और आपकी लाइफ में। इसीलिए आज एक कदम उठाइए, एक ये निर्णय लीजिए कि मैं आज अपने लिए कुछ करूंगी। ज़रूरी नहीं है कि पेजेंट में ही आपको पार्टिसिपेट करना है, कुछ भी आप लाइफ में करना चाहती हैं तो प्लीज़ आज ही शुरू करिए, शुरुआत करिए, कदम बढ़ाइए। देखिए मैं प्लानिंग तो बहुत चलती है दिमाग में, लेकिन अगर मुझे आगे मौका मिलेगा तो मैं मिसेज इंडिया इंटरनेशनल इन सब में मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगी, एंड साइड बाय साइड मैं अपनी खुद की ग्रूमिंग क्लासेस भी, कुछ एकेडमी जैसा कुछ मैं बनाना चाहती हूँ, जिससे मैं उन लेडीज़ को ट्रेन कर सकूँ जो इस फील्ड में आना चाहती हैं। तो ये मेरी प्लानिंग है अभी, लेट्स सी कैसे आगे चीज़ें बढ़ती। एक भगवान ने हम विमेन को, फीमेल्स को एक ऐसी पावर देकर भेजी है कि हम लोग हर किसी से कनेक्ट हो सकते हैं। मे बी शायद उनको समझाने में, अपने इन लॉज को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को समझाने में थोड़ा सा समय लगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, अगर आपने एक चीज़ ठान ली है, तो वो आपकी फैमिली ज़रूर समझेगी। लेकिन आप नीचे अगर एक बार झुक गए तो फिर गए, कुछ नहीं हो सकता आपका। तो आपको वो एक फोकस रखना है, और जब आप वो फोकस रखते हैं तो चीज़ें आपको सक्सेसफुल मिलती हैं, सक्सेस आपको लाइफ में मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि आपको नहीं झुकना है, आपको लोगों को मनाना है।